हेलो प्यारे बच्चों आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ और आज हम पढ़ेंगे पार्ट पाँच कौन कितनी बार ठीक है इसके अभ्यास को देखते हैं आज ये वाली अभ्यास हम बुक पे ही करेंगे ठीक है बच्चों ये क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है पहला खाली जगह भरो यहाँ पे क्या दिया है चार प्लस चार प्लस चार प्लस चार ठीक है इसको कितनी बार चार है पाँच बार है क्या है चार पाँच गुड़े चार कर दिया ठीक है ये गुड़ाई के निशान होता है या किसका निशान होता है गुड़े का निशान तो अगर हम चार 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 को हम जोड़ते हैं तब क्या आएगा तब भी बीस आएगा अगर हम पाँच को चार से गुणा कर देते हैं पाँच का पारा चार बार पढ़ देते हैं तब भी क्या आएगा बीस आएगा वही चीज यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे एक खाली जगह भरो तो यहाँ पे कितनी बार आठ है एक दो तीन चार पाँच तो यहाँ पे कितना लिखेंगे पाँच क्या है आठ आठ इधर लिख देंगे अगर हम आठ 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 को जोड़ते हैं तब क्या आता है चालीस आएगा ठीक है अगर पाँच अठे चालीस पाँच का पारा हम आठ बार पढ़ देते हैं तब भी चालीस आएगा यहाँ पे सात प्लस सात प्लस सात सात कितनी मार है तीन बार है ना तो तीन यहाँ लिखेंगे क्या है सात भाई ऐसे ये वाला करेंगे पाँच देखते कि हैं कितनी बार है एक दो तीन चार पाँच छः छः बार है छः यहाँ लिखेंगे अब पाँच कितना है पाँच है पाँच यहाँ लिख देंगे यहाँ पे क्या है जोड़ का निशान प्लस का का चिन्ह लगाते हुए दोबारा लिखो ठीक है तो हम इसमें क्या करेंगे पहला वाला देखते हैं इन्होंने कैसे किया तीन गुड़े चार है तीन गुड़े चार बराबर है चार यहाँ लिखते हैं चार का काम का, का मिन्स होता है अगर कहीं पे का लिखा है तो उसका मीस होता है गुणा क्या होता है गुणा चार का तीन गुना तो चार को हम क्या करेंगे तीन बार लिखेंगे प्लस में ठीक है यहाँ पे क्या है पांच गुने सात ठीक है बराबर तो यहाँ पे क्या करेंगे सात का पांच गुना ठीक है पांच गुना या क्या करेंगे यहाँ पे सात को पांच बार लिखेंगे एक दो तीन चार पच क्या किया सात का पांच गुना तो सात को कित कितनी बार लिखेंगे पांच बार लिखेंगे एक दो तीन चार पांच बार लिख दिया ठीक फिर यहाँ पे क्या है छः गुणे आठ बराबर है तो क्या करेंगे का आठ का छः गुना ठीक आठ यहाँ पे लिखेंगे छः यहाँ पे लिखेंगे आठ का गुना तो क्या करेंगे आठ को छह बार लिखेंगे आठ प्लस आठ प्लस आठ प्लस आठ कितनी बार हो गया एक दो तीन चार पाँच छः अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं चार गुणे नौ बराबर है तो क्या नौ का चार गुना या नौ को कितनी बार लिखेंगे चार बार नौ प्लस नौ प्लस नौ प्लस नौ, प्लस, नौ. चार बार हो गया एक दो तीन चार वैसे हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कह रहा है बताओ कितना गुना है हल भी करो इसको गुना बताना है और उसको हल भी करना है तो यहाँ पे दो प्लस दो प्लस दो ठीक है दो कितनी बार है एक दो तीन चार है तो चार गुणे दो हो गया ठीक है तो चार दुनी कितना होता है आठ होता है ठीक है वैसे ये वाला हम करेंगे देखो कितनी बार ये क्या है छ प्लस छः प्लस छः प्लस छः कितनी बार है एक दो तीन चार, चार पाँच पाँच बार है छ तो पाँच गुणे छे। है अब क्या करेंगे पाँच का पारा हम छः बार पढ़ेंगे जब हम पाँच का पारा छः बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा पाँच का तीस ठीक है अब यहाँ पे क्या है तीन प्लस तीन प्लस तीन तो कितना है एक दो तीन तीन कितनी बार है यहाँ पे तीन जो है वो तीन बार है तो तीन गुणे तीन तीनतिया कितना होता है तीनतिया नौ ठीक है यहाँ पे क्या है आठ कितनी बार है देखें एक दो तीन चार पाँच छ छः बार है आठ तो यहाँ पे क्या करेंगे छुणे आठ अगर हम आठ 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 को जोड़ेंगे तब भी हमारा कितना आएगा छ अठे अड़तालीस ठीक है फिर भी अड़तालीस आएगा एकदम आठ आठ को जोड़ेंगे अगर छः अट्ठे कर दें छे, अगर छः का पारा आठ बार पढ़ दें तो कितना आएगा तब भी अड़तालीस आएगा ठीक है अब यहाँ पे कितना है पाँच है पाँच प्लस पाँच प्लस पाँच कितनी बार है तीन बार है ठीक है तो तब यहाँ काल के तीन गुणे पाँच तो ती, तीन का पारा पाँच बार पढ़ेंगे कितना होगा तिपच पंद्रह कितना होता है पंद्रह अगर हम इनको जोड़ेंगे तब भी हमारा पंद्रह आएगा अगर हमने तीन का पारा पाँच बार पढ़ दिया तब भी कितना आया पंद्रह आया क्वेश्चन नंबर चार क्या कर रहा है कुल कितने सेब हैं ठीक है तो यहाँ पे देखते हैं कितने सेब हैं एक में कितने हैं एक दो तीन चार एक दो तीन चार 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 करके सारे इसमें हैं कितनी बार हैं एक दो तीन चार पाँच पाँच बार सेब क्या है? चार चार हैं तो क्या करेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कितनी बार है एक दो तीन चार पाँच बार हैं तो पाँच यहाँ लिखेंगे और कितने कितने हैं एक उसमें दो तीन चार कितने हैं चार ठीक है पाँच गुना चार तो कितना गया पाँचों को बीस तो टोटल सेब कितने हैं बीस हैं कितने हैं बीस वैसे क्वेश्चन नंबर पाँच देखते हैं यहाँ पे कितने अंडे हैं एक लाइन में कितने हैं अंडे एक दो तीन चार पाँच छः ठीक है और कित एक दो तीन चार पाँच छः छः हैं तो कितने कितनी है एक दो लाइने हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे छः गुना दो ठीक छः गुना दो कर देंगे और छः दूनी कितना हो गया बारह यहाँ पे कितने अंडे हैं बारह जो अगर आपको पहाड़े आते हैं तो अच्छी बात है अगर पहाड़े नहीं आते तो क्या करें जैसे कि मैं पहले एग्जाम्पल दूंगी ये वाला जैसे तीन यहाँ है तो, तो तीन में हमने तीन जोड़े छः हो गया फिर छः में हमने तीन जोड़े नौ हो गया नौ में हमने तीन जोड़ दिए कितना हो गया बारह बारह में तीन जोड़े गए पंद्रह पंद्रह में तीन जोड़ेंगे अठारह अठारह में तीन जोड़ेंगे इक्कीस ठीक है इक्कीस में तीन जोड़ेंगे चौबीस हो जाएगा चौबीस में तीन जोड़ेंगे सत्ताईस सत्ताईस में तीन जोड़ेंगे तो तीस हो जाएगा वैसे ही ये वाला करेंगे यहाँ पे कितना है चार है तो चार में चार जोड़ा कितना हो जाएगा हमारा आठ चार में चार जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आठ ठीक है आठ में हमने चार जोड़ा कितना हो गया बारह ठीक है और बारह में आकर हम चार जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बारह है ठीक है बारह फिर चार जोड़ देंगे तेरह चौदह पंद्रह सोलह कितना हो गया सोलह ठीक है और सोलह में अगर हमने चार जोड़ दिया कितना हो गया बीस और बीस में हम चार जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा चौबीस अच्छा चौबीस में चार जोड़ा अट्ठाईस अट्ठाईस में चार जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बत्तीस बत्तीस में चार जोड़ा छत्तीस हो गया और छत्तीस में चार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा चालीस पाँच में पाँच जोड़ा दस हो गया दस में पाँच जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ठीक है, ग्यारह बारह तेरह चौदह, पंद्रह कितना हो गया? अब पैंतीस में हम जब पांच जोड़ा चालीस तो हो गया चालीस में पाँच जोड़ेंगे कितना हो जाएगा पैतालीस ठीक है क्या होता है हमें उसका छः में जब हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा छः प्लस छह कितना होता है बारह और बारह में हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा अठारह चौबीस के चौबीस में छह जोड़ दिया कितना हो गया तीस और तीस में छ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा छत्तीस और छत्तीस में छः जोड़ दिया कितना हो गया बयालीस और बयालीस में छः जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ठीक है अड़तालीस हो गया अड़तालीस में जब हमने छह जोड़ा कितना हो गया चौवन चौवन में चौवन में छह जोड़ा तो साठ हो गया साथ जोड़ा चौदह चौदह में सात जोड़ा इक्कीस इक्कीस में सात जोड़ा अट्ठाईस अट्ठाईस में सात जोड़ा तो कितना हो गया पैंतीस पैंतीस में, में, में सात जोड़ा जो तो बयालीस हो गया और बयालीस में सात जोड़ा तो उनचास ठीक है और उनचास में जब सात जोड़ा छप्पन हो, तो हो गया और छप्पन में सात जोड़ा तो तिरसठ हो गया और तिरसठ में जब सात जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सात जोड़ने पर सत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्या है आठ है आठ में आठ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सोलह और सोलह में आठ जोड़ दिया तो जो चौबीस हो गया चौबीस में आठ ठीक है बत्तीस में आठ जोड़ दिया कितना हो गया चालीस और चालीस में आठ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अड़तालीस अड़तालीस में आठ जोड़ दिया छप्पन और छप्पन में जब आठ जोड़ा तो चौंसठ हो गया चौंसठ में आठ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा चौंसठ है बहत्तर हो जाएगा ठीक है जब बहत्तर में आठ जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा अस्सी वैसे यहाँ पे देख लेते हैं नौ में नौ जोड़ा कितना हो जाएगा अठारह आठ अठारह में नौ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सत्ताईस सत्ताईस में नौ जोड़ दिया तो कितना हो गया छत्तीस और छत्तीस में जो नौ जोड़ दिया तो कितना हो गया पैंतालीस और पैंतालीस में नौ जोड़ा तो चौवन चौवन में जब नौ जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा तिरसठ तिरसठ में नौ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बहत्तर बहत्तर में जब नौ जोड़ा गया तो कितना हो गया इक्यासी और इक्यासी में जब नौ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा नब्बे ये क्या है बच्चों पहाड़ा बनाना ठीक है पहाड़े हम ऐसे ही बनाते हैं अगर बच्चों आपको ये समझ में नहीं आया हो कुछ कुछ भी अगर कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट में करके जरूर बताइएगा हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे इस टाइप से याद कर सकते हैं दो तो कम दो दो दूनी चार दो तीन छः दो चकू आठ दो पंचे दस दो चंग बारह दो सत्ते चौदह दो अठे सोलह दो नियम अठारह दो धाहमन बीस तीन कम तीन तीन दूनी छः तीन तीन नौ तीन चौ बारह तीप पंद्रह तिछांग अठारह तीन सत्ते इक्कीस तीन अठे चौबीस तीन सत्ताईस तीस तीन दशावन तीस चार कम चार चार दुनिया आठ चार तिया बारह चार चंक सोलह चार पच्ची बीस चार छः चौबीस छह सत्तः अट्ठाईस चार अट्ठे बत्तीस चार चारनेम छत्तीस चार दशावन चालीस पाँच कम पाँच पाँच दूनी दस पाँचियाँ पंद्रह पाँच छक बीस पचपम पच्चीस पाँच छः का तीस पाँच सत्तः पैंतीस पाँच अट्ठे चालीस पाँचम पैंतालीस पाँच दशावन पचास छः कम छः छः दूनी बारह छियाँ अठारह छह चौक चौबीस छः पच्ची तीस छंग छत्तीस छ सत्त पयालीस छ अठे अड़तालीस छ नमे चौवन छावन साठ कम सात सात दूनी चौदह सात तियाँ इक्कीस सात चौक अट्ठाईस साठ पचे पैंतीस सात छयालीस सात सत्त उनचास सात छप्पन सात तिरसठ सात सत्तर सा, आठ इकम आठ आठ दुनी सोलह आठ तियाँ चौबीस आठ चौक बत्तीस आठ पन चालीस आठ छः अड़तालीस आठ सत्ते छप्पन आठ अठे चौंसठ आठ निम बहत्तर आठ दामन अस्सी नौ एकम नौ नौ दुनिया अठारह नौ तियाँ सत्ताईस नौ चौक छत्तीस नौ पच्चीस पैंतालीस नौ छः चौवन नौ सत्ते तिरसठ नौ अठे बहत्तर नौ निम इक्यासी नौ दसावन नब्बे दस इक्म दस दस धूनी बीस दस तिया तीस दस चक्र चालीस दस पच्चीस पचास दस छंग साठ दस सत्तः सत्तर दस अठे अस्सी दस नवा नब्बे दस अठावन सौ बच्चों आपको अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया प्लीज़ कमेंट में करके हमसे ज़रूर पूछिएगा बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू टेक केयर